फ्रेंड्स नमस्ते एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। देखिए शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ घर का काम ख़त्म करके, थोड़ा बाहर आ गई हूँ क्योंकि मुझे आज मेरे वेस्ट से कुछ यूज़फुल चीज़ें बनाना है और मैं आपको के साथ ये सब शेयर भी करने जा रही हूँ। देखिए घर से हमारा जनरली बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, जैसे कि सब्जी का छिलका हुआ, अंडे का कवरिंग हुआ जो सफ़ेद वाला वो हो गया, और ठाकुर जी से तो वैसे भी हर घर में बहुत सारे बासी फूल निकलते ही है, और वैसे ही बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल हमारे घर से निकलते हैं, वो सब हम जनरली यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो इससे कुछ भी अच्छा नहीं होता। वो इधर उधर वो सिर्फ एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं, और तो मैं सोच रही हूँ कि इसको यूज़ करके हम एक बहुत अच्छा वाला खाद हमारे घर में जो पेड़ होता है उसके लिए हम बना ही सकते हैं, तो वही आज मैं करने जा रही हूँ। लेकिन मेरे पास बहुत सारे मिट्टी थे, वो मैं गमले के मल में भरने के लिए लाई थी, और उसमें मैंने सूखा गोबर मिला है, वो बासी फूल में मेरे पास था बहुत सारा, मैंने इकट्ठा करके रखा था वो सब, और मेरे सब्जी का छिलका जो डेली जो घर से जो निकलता है, और चाय पत्ती वो उसको मैं धो के सूखा है वो सब, और अंडे का ऊपर वाला जो कवरिंग होता है सफ़ेद वाला उस सबको मैंने इकट्ठा एक साथ मिला लिया है, और उसको मैं एक गमले में भर लूँगी और उसको मैं हवा और पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के लिए कुछ दिन छोड़ लूँगी। वैसे तो मैं पहले से ही करके बना के रखी हूँ, एक गमले में मैं आपको दिखा रही हूँ, और आज भी मेरा इतना सारा वेस्ट निकला है तो उसको भी और एक्स्ट्रा बना लूँगी, और सबको मैं एक अच्छा वाला ऑर्गेनिक सा फर्टिलाइज़र बना लूँगी, और जैसे कि अब जिसको बोलते हैं खाद जो हमारे घर में हो जाता है उसको वही मैं आज बना लूँगी। देखिए मैंने कुछ चाय पत्ती उसको चाय में जो यूज होता है मेरा वही वाला उसको मैं धो के सुखा के रखी थी, उसको भी मैं ले ही हूँ, मैं अपने गुलाब के पौधे के उसके रूट्स में डाल दूँगी। देखिए ये पौधा मेरा क्यों पता नहीं अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, तो उसी उसी के रूट्स में इसको मैं पाउडर बना के डाल दूँगी, और इसका मिट्टी थोड़ा हल्का करी हूँ। देखिए एक गमले में मेरा काठ चंपा का एक पौधा लगा था, वो भी आजकल मुरझा रहा है, और उसको भी मैं सोच रही हूँ इसको कटिंग कर लूँगी, और बाहर बिल्कुल ही बाहर घर के बाहर गेट के बाहर भी एक छोटा सा जगह है, वहाँ पर मेरा छोटा वो कनियर का पौधा लगा है उसी के पास ही जा रही हूँ, लगा लूँगी कटिंग करके, और वहाँ पर मैं छोटा सा एक होल बना लिया है, और उसमें थोड़ा मैं जो बनाए हूँ खाद उसको दे दूँगी, सूखा गोबर है वो भी दे दूँगी, और मिट्टी दे के वो लगा लेंगे, शायद ही बच जाए। इसका फूल ना बहुत ही सुंदर दिखने में, मतलब हाफ इसका व्हाइट है और हाफ इसका रेड कलर का वो काठा चंपा का फूल है, आपको दिखाऊंगा अगर उसमें फूल आएगा ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, बहुत ही सुंदर ही फूल आता है उसमें, इसलिए मुझे बड़ा इस पर मुझे बड़ा लोभ आता है, तो इसको ले रही हूँ वहीं पर लगा लूँगी, शायद ये बच जाए। और आज क्लाइमेट भी अच्छा नहीं है, पता नहीं जैसे बहुत ही एक्टिव क्लाइमेट नहीं है आज, गर्मी बहुत है, और 5 बजने से पहले ही मतलब शाम हो गए हैं आज। ये बाहर का काम ख़त्म करके मैं ठाकुर जी के पास धूप लगा लिया, और किचन में आ गए हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा नारियल था तो उसको मैं आज स्टफिंग बना के रख रही हूँ, एक नारियल ही था, जनरली मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ, कभी अगर पूजा हो और कुछ भी पीठा वगैरह बनाना हो तो उसको बनाने में मुझे बहुत ही हेल्प मिलता है, मतलब सडनली ये बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता तो इसलिए बना के ही रख देती हूँ मैं। डिनर के लिए मैंने बना लिया था थोड़ा इडली का बैटर बना लिया था, और उसको भी मैं इडली बना लूँगी, और आलू और मटर का सब्जी पहले से ही बना के रख दिया है फ्रिज में दिन से, तो वही आज डिनर में हो जाएगा, तो चलिए फटाफट इडली में बना लेती हूँ। और देखिए अब मेरा इडली भी बन गया है, पति देव इसको निकाल रहे हैं, अब सिर्फ खाना बाकी है, चलिए दोस्तों बच्चों के पास थोड़ा चलते हैं, रूम में बच्चे क्या कर रहे हैं, आदि आ गया ट्यूशन से, इसका चला इसका रोज का काम है ये, कुछ इनमें नहीं होगा, छुई मुई को देखिए, छुई मुई कुछी मामा छुई मुई, बैठ के देखो पीठ में तकिया दे के सो के महारानी है। क्या हम जान सकते हैं
इस उपकरण का नाम क्या है? फैन। और स्पेसिफिकेशन? और कृपा करके आप बताएंगे कि इस उपकरण का स्पेसिफिकेशन? बैटरी से चलता है। बैटरी से चलेगा? इसमें कितना बैटरी लगता है तेरा? तीन बैटरी इसमें लगेगा। कितना वोल्ट का? कुछ दिखाते हैं इसमें क्या क्या लगा है। ठीक है, और बैटरी ये जो जगह है यहाँ पर क्या लगेगा? वो छोटा है, मैं तो बड़ा वाला लगाऊंगा। बड़ा वाला लगाएगा? ये प्लास्टिक की जो फ्रेम कहाँ से मिला तुझे? बैटरी नहीं, बैटरी तो ये, मतलब ये जो रेड वाला फ्रेम मिला कहाँ से? दोस्त से मिल गया। पढ़ने जा रहा है, ये सब करके भी आता है ना? आदि मैकेनिक बनेगा। इसको पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट इसी में है, मैकेनिक बने। ये हो गया? हाँ। ये चार्ज हो रहा है। हाँ। अच्छा, ये फाइनल हो गया। हाँ। इसको बैटरी दिखा, पीछे पर्सन। अच्छा, और बैटरी ऐसे उस पर ब्लैक टेप लगा लिया। और फिर ये कैसे चलेगा? ये वाला, ये चार्जिंग वाला है। चार्जर से चलेगा, मोबाइल चार्जर। और ये वाला बिना चार्ज, ये चार्जिंग वाला। अरे वाह, हो गया। ठंड लग रहा है। या एक और एक फैन, और एक फैन दिखा। मैं इसको लगा लूंगी, किचन में काम करूंगी। और ये तो वैसे ही चलता है ना, स्विच से है। वाओ, ये भी हवा आ रहा है, बहुत हवा आ रहा है। ठंड लगा। ये मोबाइल चार्जर है ना? हाँ। ओके, मोबाइल चार्जर से फोन फैन चार्ज हो जाएगा। और जब करंट चला जाएगा इसको लगाएंगे, चलेगा? हाँ। कितना टाइम मिला? कंप्यूटर चार्ज करने से लगभग 2 घंटे तो चल जाएगा। ये 2 घंटा चलेगा? लगभग 2 घंटा तो चलेगा। अच्छा, जब करंट जाएगा ना इसको लगाएंगे। हाँ, इसको लगा के पढ़ेंगे बाहर। अच्छा, मैं तो लगा के सो जाऊंगा। ठंड लगा। ओहो, सच है, ठंडी हवा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, अभी रात का 10 बज गए, हम चलते हैं डिनर करेंगे। और वीडियो को भी यही एंड करते हैं, आपके साथ और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। ठंड लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा है। चलो यहाँ पर बोल दो बाय।